हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और इस समय जूम वाइटनिंग का एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है। बहन ने करा लिया है, भाई का हो रहा है सेशन। और मेरे साथ इस समय है ईशा, जो जयपुर से आई है मेरे पास। और दांतों की जो हालत थी, काफ़ी स्टेन दांत थे और अभी ये 20 साल की है। तो ईशा, ये दांत कैसे खराब हुए आपके, स्टेन कैसे हुए दांतों के, रास क्या था? कॉफ़ी लवर हैं आप? तो और पिज्ज़ा भी खाती हैं? तो वैसे कंडीशन कैसे रखती हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन रखती हैं? तो जूम वाइटनिंग के बारे में कैसे पता लगा आपको? ऑनलाइन देखा आपने जूम वाइटनिंग के बारे में। तो जब हमने पहली साइकिल किया, रिजल्ट दिखाया, तो कैसा लग रहा था? अच्छा, कम से कम 5-6 शेड ब्राइट आ चुके हैं इस समय। और लास्ट साइकिल में थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी लग रही थी, फिर हमने उसका इसमें बंद कर दिया था। तो पूरा जो प्रोसेस था, अब कैसा लग रहा है एंड रिजल्ट? अच्छा लग रहा, थोड़ा सेंसिटिविटी हो रही है बट वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसी मेंटेन रखना है। कॉफ़ी कम करने वाली है शायद, बट अच्छी लग रही है आपकी स्माइल। आपके भाई का भी होने वाला है पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट। आई होप ऐसे ही भाई बहन अपने आप को दिवाली के म्यूचुअली दे रहे हैं और ऐसे ही ब्राइटर स्माइल होती रहे। तो वो हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे जूम वाइटनिंग के बारे में? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेना चाहिए। ओके, और ओरल हाइजीन भी मेंटेन रखती हैं आप? ब्रश करते हैं ट्वाइस अ डे? इनविजिलाइन ट्रीटमेंट भी चल रहा है आपका, राइट? और फ्लॉस करती हैं? नो, फ्लॉस करना है लाइक अ बॉस, बताऊंगा इसके बाद। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे पेशेंट्स खुद मोटिवेट होते हैं, ऐसी एक बहुत सीधा सा प्रोसेस है जहां पे 3 साइकिल्स होती हैं 15 मिनट की। पहले हम एसी पे जेल लगाते हैं, उसके बाद सबसे पहले रिट्रैक्शन पेस्ट लगाते हैं कि जो आपका जो मसूड़ा है, आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है वो जले ना और उसमें आपको ठंडा गर्म ना लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब एसी पे जेल लगा देते हैं तो कोई भी एक दांतों में जो सेंसिटिविटी है या पेशेंट को एकदम सेंसेशन होती है वो नहीं होती है। तो उसके बाद भी आप लगा सकते हैं, तो पूरे सेशंस के बाद। तो एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है वाइटनिंग का, सबसे मुझे लगता है वाइटनिंग में सबसे टॉप नॉच है जूम, और बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। और पेशेंट, सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट्स के जो आफ्टर जो फॉलोअप है ना, वो बहुत शानदार है। मैंने इनको जीसी मूज भी दे दिया है, जो क्रीम दी है वो लगानी है, कॉफ़ी कम पीनी है, पिज़्ज़ा कम खाना है, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खानी है। पक्का? ओके, थैंक यू।